हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं। अब दोस्तों, हमने अक्सर ही देखा होगा कि भगवान शिव हमेशा ही अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, आइए आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब जैसे कि भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इससे संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक बार की बात है कि एक संत थे जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुके थे। वह केवल फल और हरी पत्तियों को ही खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रंद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उन साधु ने जंगल में सभी जीव और जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार वह अपनी कुटिया की मरम्मत करने के लिए लकड़ियां काट रहे थे और उसी समय जो उनकी उंगली थी वह कट गई थी। साधु ने देखा कि उनकी उंगली से खून बहने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा वह इतने पवित्र हो चुके हैं कि उनके शरीर से अब खून नहीं निकलता बल्कि पौधों का रस भर चुका है जो वह निकल रहा है। उन्हें उस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गए। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र मनुष्य बता दिया था। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्हें एक बूढ़े का रूप ले लिया था, मतलब कि भगवान शिव ने एक बूढ़े मतलब कि वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया था और वह वहां पहुंचे। वृद्ध व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों हैं। साधु ने वजह बता दी। तब यह सब बातें जानकर भगवान शिव ने उनसे पूछा, ये पौधे का जो रस है और जो फलों का रस है, यह तो केवल जब पौधे जल जाते हैं तो वह राख बन जाते हैं और अंत में केवल राख ही शेष बच जाती है। तो दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली सही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।